Hey guys, what's up? I hope you guys are doing well. We'll be starting this vlog with the same energy and the same intensity. So guys, अभी जो मजे थे, मजे वाली जिंदगी थी वो अभी खत्म हो रही है, क्योंकि अभी जाना पड़ेगा अहमदाबाद. जो अपने क्लासेस चल रहे वहाँ पे बहुत मजे कर लिए भाई. डेढ़ महीना दो महीना बहुत मजे किए. दो महीना तो नहीं सर, एक डेढ़ महीना ही किया है, पर वो बहुत मजे किए. कुछ पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं, तो अभी वापस जाना पड़ेगा वो वाली लाइफ में, बिजी वाली लाइफ में. तो मजे वाली लाइफ खत्म हो गई है. वो सॉन्ग था ना, सुख भरे दिन गयो रे भैया दुख भरे दिन है, वैसा हो रहा है अभी. और अभी क्या, मेरी आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि मेरे शरीर में सोल्ट की बहुत कमी है, इसलिए रो नहीं पा रहा हूँ मैं, वरना आंसू आता भाई, इतना इमोशनल हो जाता हूँ मैं. कोई सेंस है इस बात की? अभी पैकिंग कर रहा हूँ, ये सब कुछ भरना पड़ेगा अभी, ये सारा इसमें अभी और भी सामान आएगा, देखते अभी कितना ले जाना है. तो अभी ये सब पैक करते हैं और फिर देखते अभी कुछ बाकी ना रह जाए, बस वही है याद रखना है, क्योंकि मेरे को ना याद नहीं रहता ज़्यादा, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता हूँ घर पे. तो अभी ये पैक करते हैं फिर मिलते हैं. तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग. अभी हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद, और ज़्यादा फुटेज नहीं बनाऊंगा अभी, क्योंकि माहौल थोड़ा इमोशनल हो गया, मेरे को इमोशनल नहीं होना है. और अभी निकलते हैं सीधे अहमदाबाद जाने के लिए, तो बने रहे इस ब्लॉग में, निकलते हैं. तो गाइस, आपको ये जगह याद ही होगी, लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था अपनी सिस्टर के साथ बैठा था, जब मैं नवरात्रि में आया था. अगर आपने वो लोग नहीं देखा हो नवरात्रि वाला, वो भी देख लो. और अभी क्या, माइक है नहीं मेरे पास, इसलिए आपको बाहर की आवाज़ भी आ रही होगी. और अब क्या कर सकते, यही है अपने पास, तो है नहीं, माइक ले लेंगे, पर अभी नहीं है. तो गाइस, अभी यहाँ पर रेस्ट करने बैठा हूँ. 80% रास्ता कट गया, 20% बाकी है, और थक गए थोड़ी देर, इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ. रखते हुए पीछे वाला टायर भी मैंने नया डलवाया है, क्योंकि जो पुराना था तो वो केदारनाथ से मैं जब आया था वापस और घर पे आया, तभी मैंने अहमदाबाद गैरेज में दिखाया था. तो उसने बोला था कि भाई ये ज़्यादा नहीं चलेगा, तू घर पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात है. मैं तो घर तो पहुंच गया, तो उसके अलावा भी मैंने बहुत चलाया था. तो क्या भाई, वो चला लिया आपने घर फिर अभी अपने को रिस्क नहीं लेना था, इसलिए नया डलवा दिया. और अभी मेरे दोस्त मेरे को बोलते हैं कि भाई तू पागल है, क्योंकि एक्टिवा लेके तू गांव से वहाँ, मैं सुरेंद्रनगर से यहाँ पे अहमदाबाद आता हूँ, तो मेरा गांव तो बहुत दूर है थोड़ा. पर भाई क्या करे, आना तो पड़ता है ना भाई, एक्टिवा ही है अपने पास, वो पैसे वाले लोग नहीं है. और ऊपर से एक मैन सीख मिली मेरे को रास्ते में, मैं अभी सोचा आपके साथ शेयर करूँ. एक अंकल जा रहे थे बाइक लेके, उसके आगे उनका बेटा, कोई लड़का था, उनका बेटा ही होगा. अरे कहना क्या चाहते हो? और पीछे भी दो बैठे थे, उनके सनी थे और उसके पीछे आंटी थी. तो उससे सीखने को मिला कि सर आपको कंफर्ट चाहिए तो पैसे कमाने पड़ेंगे, करियर पे फोकस करो. क्योंकि मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भाई अपने पैसों पे फोकस करो, करियर पे फोकस करो, लड़कियों पे फोकस मत करो. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. ये ज्ञान सबको पता है, क्यों भी सोचा आपको याद दिला दूँ, इसलिए मैंने शेयर किया. और अभी यहीं पे बाबा निसर्ग की कथा समाप्त होती है. ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलेंगे वरना लोग डिसलाइक दे देंगे, इसलिए डिसलाइक नहीं चाहिए अपने को. लाइक करो गाइस, वीडियो को लाइक करो. अभी यहाँ पे बैठे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे. मैं बैठा हूँ, मेरा बैग बैठा है, मेरी एक्टिवा और मेरा दूसरा बैग. अभी रेस्ट करते थोड़ी देर, उसके बाद निकलेंगे. तो मिलते अभी सीधे अहमदाबाद में, तब तक के लिए व्लॉग में बने रहिए, जाना मत कहीं पे, यहीं पे रहना. मिलते सीधे अहमदाबाद में. सो गाइस, अभी मैं आया तो पूरे रास्ते में किंग के गाने ही सुन रहा था. ये बात मैं आपको अहमदाबाद जाके भी शेयर करना था, पर वो अगर मैं वहाँ जाके भूल गया, इसलिए अभी शेयर कर रहा हूँ. फिर मेरा कुछ पता नहीं है, कभी भी मैं भूल जाता हूँ, दिक्कत है अपनी थोड़ी, इसलिए अभी सोचा शेयर करूँ. किंग के गानों के गाइस वाइब भी अलग है, अगर आप सुनते नहीं हो तो आप सुनो एक बार, और उससे पता नहीं अलग ही मोटिवेशन मिलती है. मोटिवेशन नहीं, पर थोड़ा सा जुनून आ जाता है, मज़ा आता है. अगर आप नहीं सुनते तो किंग के गाने सुनो. अभी उसका नया एल्बम आया सैमपिंग, तो वो तो भाई क्या निकल है, गजब है. अगर नहीं सुना तो जाओ जाके सुनो. सो गाइस, फाइनली बैक टू अहमदाबाद, अपनी हॉस्टल पे आ गए. और अभी ऐसा सारा सामान जो है बैग भरा है पूरा, दोनों खाली करते हैं, फिर खाते, कुछ भूख भी लगी है. अब फिर मिलते हैं. Thank you.
गाइस जब भी मैं आया था इसकी फोटो निकालने के लिए, इस साले की फोटो देखो कितनी निकाली है, वो साला ना ये साली मैंने खींची है। और इन्हें इस साले ने मेरे को बोला था रेडी होके आना, पर मैं आया नहीं, उसमें मैं रह गया भाई। इसकी निकली है भाई, रेडी होके आया और मैं बच गया। रेडी होके आना पड़ता है। हाँ, मैंने इन्हें बोला था ये जिम वाले टी शर्ट पहन के आ गए, जो हमने वो भी साथ में लिया था वो। अरे वो मेरे को लगा नहीं था कि ये ऐसी जगह पे लेके आएगा। जगह बहुत सही है, दिख ऐसी रही है, पर वो जब लाइट चालू होती है तो बहुत सही आती है। ये फोटो में दिखाएगा, फोटो देखने, हाँ फोटो में सही आ रही है। अभी देखते हैं, अभी सुरू भाई की प्रोफाइल पे जाओ, वहाँ पे आपको फोटो मिल जाएगी। अगर वो अपलोड करेंगे तो करेगा ना, वो अपलोड कर देगा, कर देगा। उसकी प्रोफाइल पे जाओ, आपको मिल जाएगा। अभी फोटोग्राफी कर ली, अभी चलते हैं भाई। तो गाइस अभी अहमदाबाद आया आज, और आज ही पार्सल आना शुरू हो गया। और आज पार्सल मैं अनबॉक्स नहीं करूँगा, आज अपना भाई करेगा। और माल है ये, दूसरा बंदा आ गया अनबॉक्सिंग के लिए। धीरे धीरे भाई, धीरे, सील टूट रहा है। क्या है भाई इसमें? ले ले, आ तो परफ्यूम निकलो। हेलो, बंद कर दो, बहुत धन्यवाद। तो गाइस अभी हम ऐसा स्कैम हो गए, हमने मंगवाया था इसमें दो पार्सल, और अभी एक क्या है, ये साली मनुष्य आत्मा ने इसको तोड़ा, इसलिए जहर लगता है ये किया है। अभी पता नहीं अभी क्या करेंगे, फ्रॉड कर दिया फ्लिपकार्ट ने हमारे साथ। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी फ़ोन करो तो वो साले काट रहे मेरा फ़ोन, पता नहीं क्या हुआ। अभी उसका सॉल्यूशन लाते, उसमें देर लग जाएगी। तो भी आज के लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले लोग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ, पीस, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।